वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं सेल्फ अर्नव। और अब वो फेस आ चुका है काफ़ी सारे बच्चों का जिसमें वो काउंसलिंग भर रहे होंगे और उन्हें रियलिटी पता चल रही होगी कि उन्हें कौन सी कॉलेज में कौन सी सीट मिलने वाली है। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो 11th 12th यहाँ तक कि 9th 10th 11th 12th चार साल से ड्रीम कर रहे होंगे कि हम एक IIT में जाएंगे और वो ड्रीम टूट चुका होगा क्योंकि कट ऑफ्स हाई हैं, रैंक ज़्यादा जा रही है, बच्चे ज़्यादा बैठे हैं और तुम्हारा जो रिजल्ट आया वो तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं आया है। तो जो तुम्हारा IIT का ड्रीम था वो डेफिनेटली शैटर हो चुका होगा। बट क्या तुम्हें लगता है यही एक एंड है? अगर मैं तुम्हें थोड़े स्टैट्स बताऊँ, इस साल JEE मेन का पेपर 15 लाख बच्चों ने दिया। जी हाँ, 15 लाख बच्चे। और मैं IIT में अगर सीट्स बताऊँ तो वो सिर्फ और सिर्फ 17,000 तुम्हें देखने को मिलती है, यानी कि केवल और केवल 1%, 1 से 1.5% सीट जो है सिर्फ वही बच्चों को मिल पाती है। अब तुम सोचो, इसके अंदर मैंने रिजर्वेशन और बाकी सारी चीज़ें वो कुछ कंसिडर्ड नहीं किया, अगर मैं रिजर्वेशन भी लगा दूँ तो तुम्हें अराउंड 0.75% ही सीटें हैं जो तुम्हें मिल पाएगी एज अ जर्नल स्टूडेंट। और क्या तुम्हें लगता है कि इतने बड़े पूल ऑफ स्टूडेंट्स में से 0.75% में आना टॉप में इतना ईजी है जितना तुम्हें लग रहा है? बट भैया, हमारे IIT के ड्रीम का क्या हुआ? वो तो अभी भी जिंदा रहना चाहिए ना। तो यार, IIT में अगर तुम्हारा जाने का ड्रीम है तो वो होना चाहिए उनके प्रोफेसर्स की वजह से, उनके एनवायरनमेंट की वजह से। डेफिनेटली प्लेसमेंट भी एक पार्ट आती है, बट ये दोनों मेन चीज़ें होनी चाहिए। और IIT में जाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि IIT JEE मेंस के थ्रू जा सकते हो। मेरी ये वीडियो जाकर देखो, इसमें मैंने 10 तरीके बताए हैं जिसमें तुम IIT में जा सकते हो। बट भैया, पॉइंट तो यही आ जाएगा ना, हम फिर से उस पेपर के लिए तैयारी करेंगे, फिर इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बैठेंगे और फिर हम फेल हो जाएंगे। बट यार, ये कड़ी तुम तोड़ सकते हो यूजिंग द फिजिक्स वाला बैचेस, जिसमें वो तुम्हें IIT JAM 2025 के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और इसके अंदर तुम्हें दो बैचेस देखने को मिल जाते हैं इनके, इस सकार बैच जो IIT JAM 2025 के लिए, इसमें तुम्हें ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। टॉप नॉच फैकल्टी तुम्हें देखने को मिल जाती है, लाइव लेक्चर्स तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, और जो मैं तुम्हें प्राइस बताऊंगा ना, तुम सुन के हैरान रह जाओगे, जिसमें तुम्हें 24/7 डाउट सपोर्ट मिले, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं, जिसको सॉल्यूशन मिल जाता है। ये सब तुम्हें देखने को मिलता है इन ओनली 3500 में तुम्हें सारी फैकल्टीज मिलती है। और अगर तुम ये कोड यूज करते हो अर्नव, तो तुम्हें और डिस्काउंट मिल जाएगा जब तुम पूरी फाइनल पेमेंट कर रहे होंगे। अगर तुम्हें थोड़ा सा बेटर बैच चाहिए, सकार प्रो बैच, तो उसके अंदर तुम्हें ये सारी चीजें तो मिलती है। इसके साथ साथ तुम्हें और भी सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा जो 2025 IIT JAM के स्टार्ट होंगे, समझ रहे हो, जो तुम्हारे क्रैश कोर्स हो गए, जो तुम्हारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बैचेस स्टार्ट होते हैं, उन सबका तुम्हें एक्सेस मिलेगा अगर तुम सकार प्रो बैच लेते हो। खजाना फीचर का एक्सेस मिलेगा, तुम्हें टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे मॉक टेस्ट देना, और ये तुम IIT JEE की प्रिपरेशन में जा ही चुके होंगे। 1-to-1 टेलीफोनिक गाइडेंस मिलेगी, इसमें तुम्हें पूरा तुम पे फोकस होगा और उसके थ्रू तुम्हारे एक्सपर्ट्स, जो फैकल्टी एक्सपर्ट्स है, वो तुमसे बात करेंगे, तुम्हें गाइड कर पाएंगे प्रॉपर। ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी 599 में, 599 में तुम्हें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। डेफिनेटली ये कोर्स भी काफी अच्छा है, मैं सिंपल सकार बैच की बात करूं, बट सकार प्रो में तुम्हें एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया। अरे, एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी से जाकर तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, और जो तुम्हारा IIT में होने का सपना है वो तुम्हारा अभी भी जिंदा रह सकता है अगर तुम थोड़ा बहुत ध्यान दो, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू द IIT। तो यही गलतियाँ जो तुमने अपनी प्रीवियस प्रिपरेशन में करी है उनको अवॉइड करो, टेक सम गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर, टेक सम गाइडेंस फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वो तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम को हैंडल करना, कैसी कैसी चीज़ें करी जाती है, ये सारी चीज़ें तुम्हें इसमें सिखाई जाएगी। और काफ़ी अच्छे बैचेज है यार, तुम मेरे नीचे लिंक होगा उससे जाकर देख सकते हो। और बाकी, हार नहीं माननी, अपना बेस्ट देते रहना, क्या पता तुम अंडर ग्रेजुएट में काफ़ी अच्छा कर जाओ कि तुम्हारा IIT में जाने का मन ही ना करे। IIT मेन इसलिए तो जाते कि एक अच्छी जॉब लगेगी, एक अच्छी रेपुटेशन होगी, तुम क्या पता वो अपने किसी भी कॉलेज के साथ कर दो और तुम IIT के नाम से जाने जाओ, उससे बेटर है कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे नाम से जाना जाए। ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि तुम्हें कोई बोले कि तुम IITian हो, तुम IIT हो, इससे अच्छा ये हो कि कोई तुम्हें बोले कि ये बंदा इस कॉलेज से पढ़ा हुआ था, तो वो ज़्यादा प्राउड की बात आएगी और उसमें तुम अपने आप को ज़्यादा बेटर स्टेट पे पा पाओगे। तो ये था आज के लिए, छोटी सी वीडियो थी ये बताने के लिए, जब भी काउंसलिंग चल रही है तो डिप्रेस नहीं होना, हताश नहीं होना। बाकी Q&A वगैरह चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।